हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ ये मठियाँ। मीठी मठी मैंने बनाई है, करवा चौथ स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही इजी है बनाने में, अगर आपको पसंद आए तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। मीठी मठी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ घी। छोटे चम्मच से मैं ये घी डाल रही हूँ। मैं इसमें 3 चम्मच घी डाला है। 3 चम्मच घी डालने के बाद मैं इस घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर घी कम लगेगा मुझे, मैं थोड़ा और मिला लूँगी। मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ। टोटल 4 चम्मच मैंने घी डाला है। इसे भी अच्छी तरह से मिला देती हूँ। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो गया है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको एक सख्त डो बनाना है, बिल्कुल टाइट डो बनाना है। बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए। अगर डो नरम होगा तो मट्ठी भी अंदर से नरम रह जाएगी। तो बिल्कुल एक टाइट डो बना लेना है इसका। आप देख सकते हैं कि एक टाइट डो लग करके तैयार हो गया है मेरा। और मैं 10-15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। 10-15 मिनट के बाद मैं एक बार फिर से इसे मला लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ मैं तोड़ लूँगी। आप इसे जिस साइज़ की आपको मट्ठी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। अब इन लोइयों को मैं हाथ में इस तरह दबा करके गोल गोल कर लूँगी। ये सारी लोइयाँ बन करके तैयार हो गई हैं तो मैंने बेल लेती हूँ इन्हें। ना तो बहुत मोटा बेलना है ना ही बहुत ही पतला बेलना है, क्योंकि अगर आप इन्हें बहुत मोटा बेलेंगे तो अंदर से सॉफ्ट रहने के चांसेस रहेंगे, और अगर बहुत पतला बेलेंगे तो वो सख्त होने के चांसेस रहेंगे, वो कड़क हो जाएंगी, करारी हो जाएंगी खस्ता बनने की बजाय। तो मैंने मीडियम साइज़ जो मट्ठी का होता है वो बना रही हूँ। मैंने सारे जो पेड़े बनाए थे वो सब बेल करके तैयार कर लिए हैं। इन्हें बेलने के बाद मैं एक फोक की मदद से इसमें इस तरह से इसे फोक कर दूंगी ताकि ये बाद में फूले नहीं। अगर इन्हें फोक से नहीं मैं इन्हें गोदूंगी तो ये बाद में फूल जाएंगी और पूरी की तरह बन जाएंगी, तो इन्हें गोदना बहुत ज़रूरी है। मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। और इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी जो ऑयल चढ़ा के रखा था वो थोड़ा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये मठियाँ। आप तेल देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है बिल्कुल भी, मठियाँ एकदम से ऊपर नहीं आ रही हैं। अगर मठियाँ एकदम से ऊपर आती हैं तो थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि तेज़ आंच में डालने से मठियाँ जो है वो ऊपर से करारी हो जाएंगी और अंदर से नरम रह जाएंगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अभी ऊपर नहीं आई है, धीरे धीरे ऊपर आएंगी। आराम से इनको सेकना है, कोई जल्दबाजी में नहीं सेकना है। अगर जल्दबाजी में आप इन्हें फ्राई करेंगे तो डेफिनेटली अंदर से नरम रह जानी है। इन्हें लगातार चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलाते रहिए। ये मठियाँ बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, इन पर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और बाकी मठियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरी ये मठियाँ भी बनकर के तैयार हो गई हैं। अब मैं इन सारी मठियों को शुगर सिरप से कोट करूँगी, और उसके लिए मैंने एक भिगोनी ले ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी मैंने आधा कप ली है और आधा कप से भी कम मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक इसमें 2 तार की चाशनी नहीं आ जाती। 2-3 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो मैं अपनी चाशनी चेक कर लेती हूँ। और मैं इसको एक कटोरी में निकाल के हाथ पे चिपका के देखूँगी तो इसमें 1 तार बन रहा है, मुझे 2 तार की चाशनी चाहिए। फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ और अब ये चाशनी जो है बन करके तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देती हूँ और इस गरम गरम चाशनी में मैं ये मठियाँ डिप करूँगी और तुरंत ही इनको कोट करके बाहर निकाल दूँगी। इन मठियों को बिल्कुल अलग अलग रखना है, अगर एक के ऊपर एक रख देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी। और इन्हें आप अपने मनपसंद नट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। और ये मठियाँ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you for watching.